ये करेले का करेला पपाया हर चीज माशाल्लाह लगाई है इन्होंने। और ये कड़ी पत्ता। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सॉरी फ्रेंड, आजकल मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इशाल के एडमिशन के सिलसिले में बाहर आना जाना हो रहा है और बच्चों को भी मुझे टाइम देना होता है, उनके साथ प्ले करना होता है और वीडियो एडिट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 5 से 6 घंटे, तो इसलिए मैं डेली अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो आज है थर्सडे, आज मैं 11 बजे उठ गई थी और इशाल को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है, चाय भी अपने लिए रख दी है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बीटरूट गोश्त। तो गोश्त यहाँ पे है 1 किलो हड्डी वाला, 2 प्याज हैं, 2 बड़े टमाटर हैं, 4 हरी मिर्ची, ये सब चॉप करके हम इसमें ऐड कर देंगे। इतना ज्यादा भर गया, अब ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, फिर मैं इसका कुकर का ढक्कन लगाऊंगी, ये तो बंद नहीं होएगा। 12 बज गए, नाश्ता भी रेडी हो गया, खाना भी चढ़ा दिया मैंने। आज हम लोग अपने फ्रेंड के पास जाएंगे, जो मेरी पाकिस्तानी फ्रेंड है ना, जो यहाँ पे इस विला से गई हैं, तो हाँ थोड़ी दूर पे ही रहती हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि आज आए मिलने के लिए, तो आज जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। ये कल सब शेखों के घर से आया था और ये मेरे फेवरेट हैं, ग्रेप ग्रेप लीव्स हैं, इसके अंदर राइस स्टफ होते हैं। ईशान तो आज शावर लेके सो गई, उसको नींद आ गई, 4:30 बज रहे हैं, अभी हमें जाना था वहाँ पे, अभी मैं नमाज़ पढ़ूँ फिर मैं इसको उठाती हूँ। तो ये रहा बीटरूट गोश्त, इसमें जब गल गया था तो मैंने इसको भून लिया है, फिर मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के पास, इसको भी खा देके ट्राई करेगी वो कैसा बने। वो बोलती है मैं नहीं खाती हूँ, मैंने बोला ट्राई करो पहली बार। ईशान ने अपनी चीज़ें भी रख ली, बोलती वहाँ पर मैं खेलूँगी बैठ के। डर्टी वाटर, ये सामने ईरानी मस्जिद है, इसके सामने कहीं है अभी पता नहीं मुझे, ये गली जाएगी सीधी। खुशबू अभी कच्ची है। ये है ईरानी मॉस्क और इसके सामने एक ग्रोसरी वो नजर आ रही है, ग्रीन कलर वाला बोर्ड उधर ही किधर है। यहाँ तक तो हम आ गए हैं, उन्होंने बोला था कि मतलब ये जो बड़ा फ्लैग लग रहा है ना, ये किसी लोकल का घर है, इसके बाद वाला है शायद से। ओह, इट्स ऑन दिस साइड। और ये वाला जो एरिया है टूडो मार्ट के पीछे है, इस तरफ टूडो मार्ट है, टूडो मार्ट के पीछे ये भी हो सकता है, गुला नंबर 22 भी हो सकता है। उन्होंने अपना लोकेशन शेयर कर दिया था तो वही फॉलो करके हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे और इसके आगे हमें पता नहीं था कहाँ जाना है, तो फिर मैंने उनको मैसेज किया, वो बोलती हैं आप लोग यहीं रुके हैं मैं आती हूँ, तो हम लोग मतलब थोड़ा आगे ही आ गए थे, वो विला पीछे ही वाला था। 5-6 मिनट के बाद में वो आई थी तो फिर हमें अंदर लेके गई हैं और हम लोग 5-6 मिनट में इतना भीग गए थे, इतनी तेज़ गर्मी थी, बाप रे। जब मैं उनके रूम के अंदर गई तो वहाँ पर 4-5 औरतें और बैठी हुई थी, तो वो उनकी पुरानी विला की फ्रेंड थी, मतलब पहले ये लोग एक साथ रहते थे, तो इन्होंने मतलब रूम की सेटिंग कंप्लीट करके आज ही हम सबको बुला लिया था। तो ये जो मेरी फ्रेंड है ये हमारे विला में सिर्फ 2 महीने के लिए आई थी, तो मतलब इनको रूम अच्छा नहीं लगा, बहुत छोटा था तो इसलिए इनको चेंज करना था। तो 2 महीने में भी 1 महीना तो ये पाकिस्तान में थी और 1 महीना ही बस यहाँ पर थी, तो 1 महीने में मैं सिर्फ इनसे 2 बार ही इनके घर पर गई होंगी, तब से मतलब हमारी जान पहचान हुई है। तो आज इनकी दूसरी फ्रेंड से भी मुलाकात हो गई, वो लोग सब पेशावर पाकिस्तान से थे, मतलब पूरी फैमिली थी, मतलब उनकी सास और बहू और बेटी सारे थे, तो हम लोग सब बातें कर रहे थे, फिर उन्होंने चाय बनाई, बिस्किट दिए और उसके बाद बताई थी कि हमारे बाजू में ये रूम खाली पड़ा है तो अगर आपको पसंद है तो आप लोग बात कर लें, तो मैंने बोला मैं देखती हूँ, मेरे पसंद करने से क्या है, रमीज की मर्ज़ी होती है चेंज करने के लिए, मतलब वो इतनी जल्दी चेंज नहीं करेंगे जब तक कि ये विला नहीं बंद होएगा, जब तक कि वो ओनर यहाँ से उनको नहीं जाने बोलेगा तब तक के वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको मतलब रूम खाली करना, शिफ्ट करना उनकी जान पे आती है, तो उनको ये काम बहुत ही अजाब लगता है। तो ये रूम था, अंदर अटैच बाथरूम है, बाहर किचन है, और मतलब किचन भी इतना बड़ा है कि जैसे कि एक रूम हो पूरा,
और स्टोरेज भी था, लेकिन वो स्टोरेज बोल रहे थे कि स्टोरेज में मतलब अभी उनका सामान पड़ा हुआ है, तो बोल रहे थे कि अगर टेम्पररी आपको यूज़ करना है आप कर सकते हैं, लेकिन दिसंबर में मैं इसके अंदर भी रूम बनाऊंगा। मतलब वैसे तो इस रूम का जो प्राइस है वो 3600 है, लेकिन जब मैंने बोला कि मैं इंडिया से हूँ तो उन्होंने बोला कि आपके लिए 3200 में दे दूंगा। तो मतलब जो ओनर है शायद वो इंडिया का है, इसलिए तो उसने यहाँ पे पूरी सब्जियाँ लगाई हुई हैं, तरह तरह की, पपाया है, चिली है, टोमेटो है, बहुत अलग अलग तरह की सब्जियाँ लगाई हैं यहाँ पे। इस विला का जो टेक केयर है उसने मुझे दो रूम दिखाए थे, एक शेयरिंग किचन के साथ और एक जो मैंने वीडियो आपको दिखाई है वो। तो जो शेयरिंग किचन के साथ था उसका 2600 में दे रहा था, और जो सेपरेट है उसका 3600। तो बस मगरिब हो गई थी और हमें घर जाना था क्योंकि हमें नमाज पढ़नी थी, तो बस हम लोग आ गए थे अपने घर पे। तो 9:30 बज गए थे, रमीज़ भी आ गए थे, तो यहाँ पे अब हम डिनर कर लेंगे। मैंने अपने लिए राइस बना लिए हैं क्योंकि मुझे चुकंदर गोश्त राइस के साथ अच्छे लगते हैं, और आज के जो चुकंदर हैं वो ज़्यादा रेड नहीं बने, पता नहीं क्यों, हल्दी शायद ज़्यादा डाल दी मैंने। शाल गो चेक। डिनर करते ही हम लोग बाहर आ गए वॉक करने के लिए, तो बस अभी हम लोग थोड़ी बहुत वॉक करेंगे। इशाल घर पे ही है अपने फ्रेंड के साथ में। पूरा पानी पूरा फंस गई है जमीन यहाँ पे। जस्ट हलास इशान 4-4 है। ओके फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।